बेणीगंज प्रखंड महेश्वा पंचायत के वार्ड नंबर 3 पहलवाना गांव में बिजली की 11,000 की तार नीचे आ जाने के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के लापरवाही के कारण ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जहां ग्रामीणों ने बताया कि 11,000 के तार करीब रोड से 7 से 8 फीट के ऊपर लटक रहे हैं, जिससे कई बार दुर्घटना भी हुई है। कोई भी गाड़ी अगर इस रोड से गुजरती है तो उन्हें संभल कर जाना पड़ता है, क्योंकि तार बहुत नीचे लटक चुके हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कई बार हम लोगों ने आवेदन त्रिवेणीगंज में दिया है, लेकिन त्रिवेणीगंज कई बताते हैं कि पिपरा में पड़ता है और पिपरा जय बताते हैं कि त्रिवेणीगंज में पड़ता है। इसी चक्कर में आज तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने हमेशा डर बना रहता है, जहां कभी भी कोई भी होनी हो सकती है। बिजली विभाग की लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखना लाजमी होगा कि विभाग इस तार को कब तक सही कर पाते हैं, या ऐसे ही ग्रामीण डर के साए में जीते रहेंगे। तार जो है बिजली विभाग के 11,000 तार जो है सो ये पावर का तार केवीएस के 11,000 केवीएस का तार बहुत पुल पर बस्ती पर नीचे 7-8 फीट की दूरी पर है। क्या इससे आप लोगों को क्या फायदा है और क्या क्षति है? बहुत खतरा है सर, बच्चे लोग जो है लाठी उठी लेके खड़ा हो जाता है, डर लगने लगता है। अभी कभी हम लोग भी बांस उस लेके जाते हैं, कोई चीज ऊपर ही ध्यान रहता है। अगर ध्यान नहीं रहा, शिकायत करने पर क्या विभाग या कोई पदाधिकारी इसको बोले हैं बिजली विभाग को, इसको कोई सुनवाई नहीं लेता है। कई बार उसको बोले हैं जो तार नीचे उतरा ऊपर कर दीजिए, बोलता हो जाएगा हो जाएगा। अभी तो कहाँ हुआ है, नहीं किया, नहीं कुछ बिजली विभाग के किए हैं वहाँ नहीं किए कहा किए थे यही जो आता है इन लोगों के पास इन्हीं लोग के पास। मेरा नाम सकीब जी, आपको घर है जी। घर का पोल कितने नीचा किए है? ये तो बहुत नीचा है सर, ठीक है, करीब 10 फुट होगा ऊपर। 10 फीट होगा भी नहीं, तो इसमें धान के बोझा या कुछ लेने जाने में तो थक जाता होगा। तो थक जाता है, कितना गाड़ी घोड़ा वाला आता है ना, तो सबको हम जो घुरा देते हैं घुर जाता है, लेकिन इधर जब जगेगा तब मर जाएगा सर। दुर्घटना हो जाएगा ना, हाथ भी की मौत हो सकती है। बिजली विभाग क्या इस पर कर रहे हैं? वो इधर जाते हैं तो कहता है फिर भी नहीं जाते हैं तो कहता पिपरा वाला कहिया, पिपरा जाते हैं तो कहता त्रिवेणी वाले कहिया। त्रिवेणी वाले आया था एक बार, कहा जो कल ने परसों पोल गर जाएगा, लेकिन पोल नहीं गरा। कभी खतरा हो सकता है, जान माल की बहुत बड़ी जब न तब खतरा हो सकता है, बहुत नुकसान है। किस गाँव में है, कितना नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड है, पहलवाना नाम है। 3 नंबर वार्ड पड़ता है त्रिवेणीगंज पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इसमें। बहुत तार जो 11,000 का नीचे है वो बस्ती पर, इसमें तो दुर्घटना हो सकता है। घटना वो एक बार और लार लेकर जाते रहे, वही में आग लग गए। एक बार कहना किरान वाला बच गए, आ 2 बार दरखास्त लग गए, कोई सुनवा नहीं करो। तो मैं धियो पुता का सब कहे ना घटना। किस गाँव में? 3 नंबर वार्ड। ये हम लोग का समस्या ये है कि यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर लेके, अभी खेती का समय है, लार वगैरह लेके जाता है तो बहुत डर के ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें लगने का डर हो और ये उड़ सकता है, आग लग जाएगा। और पास में फूस उस का घर है, कोई मकान तो है नहीं कि नहीं लगेगा, फूस का घर है, इससे ज्यादा डर रहता है कि आग लगने का। इसलिए ये बिजली विभाग का कहना चाहिए कि इसको ऊपर करे तार को, या यहाँ से बहुत आगे। इसको शिकायत करने के बाद कोई पदाधिकारी अभी तक कोई शिकायत नहीं किया है? अभी शिकायत किया है लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मेरा नाम मुर्शीद था। ये 11,000 का जो तार है ये बहुत अपने गांव में नीचे लटका हुआ है, लापरवाही से है, यहाँ जानमाल की क्षति। बिजली विभाग की लापरवाही बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जो मोहल्ला है ये मोहल्ले के बीचों बीच तार नहीं निकलती है 11,000 की, ये कोई छोटी मोटी लाइट नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि मैं बिजली का जो तार फैला रहा हूँ तो ये 11,000 कहाँ से लेके जाना चाहिए पूरे मोहल्ले में। आप यहाँ देख लीजिए, अगर आदमी उछल के यहाँ से आगे जाइए, एक घर है इसके पीछे,
वहाँ पे अगर उछल के अगर छुएगा ना बंदा तो वहाँ हाथ चला जाएगा उस तार के ऊपर, ठीक है, इतना नजदीक है। और इसके बारे में कई बार जो लड़के लोग आते हैं बिजली के मतलब बिल बिल निकालने के लिए, उनको कहते हैं, हम लोग कहता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा काम, इसके लिए कहा गया है, बताया गया है, पर कोई सुनवाई सुनवाई नहीं है, ठीक है। इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, कहाँ ये जगह पहलवाना, ये टोला पहलवाना पंचायत में आता है, वार्ड नंबर 3 है। हमारा नाम मोहम्मद सदर आलम खान है।